और एक तो यहाँ पे रखते हैं, आप देखते हैं दोनों में समान है कि नहीं है, तो इस पे क्लिक करते हैं, ओ ये तो हमारा सारा आइटम यहाँ पे है, तो चलिए सेकंड में शायद नहीं होगा, तो अरे यहाँ भी सब आइटम है, वो भी सर्वाइवर में, वाओ। तो हेलो गाइस, अगर आप माइनक्राफ्ट खेलते हो तो आज का वीडियो बिल्कुल स्किप मत करना, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको इतना ओपी वाला ट्रिक बताऊंगा, डुप्लीकेशन ट्रिक, जिसको आप यूज करके फ्री में बहुत सारे डायमंड को डुप्लीकेट कर पाओगे। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, यहाँ पे मेरे पास एक सर्कल बॉक्स है जिसके अंदर इतने ओपी ओपी आइटम्स है, और एक हमारे पास चेस्ट है जो की खाली है। तो आज हम एक ऐसा ग्लिच यूज करेंगे जिसे इस सर्कल बॉक्स को हम डुप्लीकेट कर लेंगे, वो भी बिना क्रिएटिव में जाए, बिना किसी हैक को यूज किए, बिना किसी कमांड का, एकदम सर्वाइव सर्वाइवर में। तो सबसे पहले तो सर्वाइवर कर लेते हैं, ठीक। तो ये देखो मैं सर्वाइवर में हूँ, और अब मैं बिल्कुल कट वगैरह नहीं करूंगा, जो है डायरेक्ट आप लोगों को वीडियो दिखेगा। तो चलिए फटाफट ग्लिच को यूज करते हैं और देखते हैं। तो ग्लिच को यूज करने के लिए सबसे पहले आपको जो भी सर्कल बॉक्स में आपको डुप्लीकेट करना, वो सामान को, कीमती सामान को सर्कल बॉक्स में डाल देना है, और उसके बाद आपको उसको बंद करके उसको तोड़ लेना है, ठीक। और तोड़ के आपको, टूट जा भाई, तोड़ के आपको इसको लेना है, और आप जब आपके यहाँ पे आ जाए तो आपको इस पे एक बार चेक कर लेना है, और उसके बाद आपको गेम को यहाँ पे जाना है और क्विट करके मतलब रिस्टार्ट करना है, ठीक, उसी वाले वर्ल्ड को। तो ये देखो मैं फिर दोबारा इसको रिस्टार्ट कर रहा हूँ, जब तक ये स्टार्ट हो रहा है तब तक आप लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, और चलो स्टार्ट हो चुका है। तो जैसे आपका गेम दोबारा स्टार्ट हो, उसके बाद आपको चेस्ट को खोलना है, और चेस्ट को खोल के आपको देख ले इसी वाले को पूरा बीच में, या फिर आप कहीं भी चेस्ट में रख दो ऐसे, और उसके बाद आपको कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप वाले बटन को एक साथ दबाना है। जब आप दबाओगे तो कुछ ऐसा आपका ये आपका टास्क मैनेजर ओपन हो जाएगा, और जब आपका ये ओपन होगा तो आपको ये वाला जो दिखा ओपन JDK प्लेटफॉर्म बाइनरी, इसको आपको राइट क्लिक करके एंड टास्क पे क्लिक करना है, और इसको कट कर मतलब खत्म कर देना है। जैसे आप इसको यहाँ से एंड करोगे, आपका एक नोटिफिकेशन और आएगा कुछ इस टाइप का, जिसमें लिखा रहेगा गेम क्रैश, मतलब गेम आपका क्रैश हो चुका है। तो आपको फिर क्लोज करना है और दोबारा आपको सिंपली गेम को स्टार्ट कर देना है। वाओ, अब आप जब गेम स्टार्ट होगा तो जो ग्लिच देखोगे वो देख के आप पागल हो जाओगे गाइस। मैं इसमें वीडियो बनाने वाला नहीं था, मैंने भी कहीं से देखा तो मेरे को इतना मजा आया कि मैं सोचा इस पे वीडियो बनाना बनता है। जिनको नहीं पता उनको पता चलना चाहिए ये ग्लिच। तो अगर पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और चलिए अब हम लोग दोबारा उसी वर्ल्ड को यहाँ से स्टार्ट कर चुके हैं, अब देखते हैं हमारा डुप्लीकेट हुआ है कि नहीं, ठीक। हमने एक चेस्ट में डाला था सर्कल बॉक्स, तो वो चेस्ट में होना चाहिए, और मैंने अभी उसके बाद से एक बार भी कट नहीं मारा है वीडियो को, तो आप लोग देख लो, ठीक। तो ये देखो मेरे पास एक सर्कल बॉक्स है, तो अब क्या चेस्ट में है कि नहीं है वो देखते हैं, ठीक। तो अरे ये क्या, चेस्ट में भी है और यहाँ भी है, और ऊपर से मैं सर्वाइवर में हूँ। तो इसको यहाँ से लेते हैं, और इसको हम लोग यहाँ पे ऐसे रखते हैं, एक मिनट सॉरी, और एक तो यहाँ पे रखते हैं, आप देखते हैं दोनों में समान है कि नहीं है। तो इस पे क्लिक करते हैं, ओ ये तो हमारा सारा आइटम यहाँ पे है, तो चलिए सेकंड में शायद नहीं होगा। तो अरे यहाँ भी सब आइटम है, वो भी सर्वाइवर में, वाओ। तो ये ग्लिच आपको कैसा लगा गाइस कमेंट में जरूर बताना। सर्वाइवर अगर आप खेलते हो तो ये तो कोई हैक है नहीं, कोई कमांड भी नहीं है, ना ही क्रिएटिव है, तो आप इसको यूज करके काफी ओपी ओपी आइटम्स को डुप्लीकेट कर सकते हो, वाओ। तो बड़ा जाओ इसको ट्राई करो, बट उससे पहले वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बहुत सारे लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके रखो चैनल को, और बेल आइकन दबा लो कि ऐसे वीडियोस मैं बनाते रहो, आप लोग देखते रहो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।